आज भी काफी इन्वेस्टर्स ऑप्शंस में अपने हाथ लगाते हैं और हाथ जलाते हैं। आज इस वीडियो में समझेंगे कैसे एक एवरेज इन्वेस्टर घर बैठे ऑप्शन में पैसे कमा सकता है। मैंने खुद के अपने इन्वेस्टर्स को देखा जो रेगुलरली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, खुद अभी भी वो कई मिस्टेक्स कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उन मिस्टेक्स की बात करेंगे और कैसे ऑप्शंस में आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो उसमें भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, ताकि अभी भी कुछ डाउट्स रह गए ना वो सारे क्लियर हो जाए आप सभी के। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले समझते हैं कि मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स आज ऑप्शंस में पैसा क्यों नहीं कमा पाते। सबसे पहला कारण तो ये होता है, वो परफेक्ट टॉप और परफेक्ट बॉटम, मतलब कि कहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, वो करने की खोज में निकल जाते हैं। अगर आप ट्रेंड रिवर्सल पता ही कर पाते ना, तब तो आप ट्रेडिंग में ही सक्सेसफुल होते। हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो रहे, इसीलिए ऑप्शंस में आए हैं। और ऑप्शंस में सक्सेसफुल होने के लिए जैसी स्टार्टिंग हुई, वैसे हमने वापस से सेम मिस्टेक करने लग गए। कभी भी हमें ट्रेंड रिवर्सल के काम में पड़ना ही नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये जो मिस्टेक है ना, ये और भी ज्यादा मिस्टेक हो जाती है और एक वर्स्ट मिस्टेक बन जाती है जब हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय करने लग जाते हैं। हमने हमारी कंप्लीट सीरीज जो ऑप्शंस की आई है, उसका कंप्लीट सीरीज का मैं लिंक ना प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट सीरीज में हमने आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस सेल करने की बात करी है। और सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं इन्वेस्टर्स कि वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस परचेस करते हैं। मतलब सपोज कीजिए SBI चल रहा है 180 रुपीस, वो 200 रुपीस का कॉल बाय कर लेंगे, 160 का पुट बाय कर लेंगे। मतलब वापस से मार्केट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केट को और SBI को मेहनत करनी पड़ेगी कि वो बढ़े या टूटे, और तभी आप प्रॉफिट में आओगे। बट अगर मार्केट ने मेहनत नहीं करी तो पहले ही दिन आप लॉस में, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ये मिस्टेक करने के कारण क्या होते हैं? सबसे पहला तो ये होता है कि यार फियर है कि यार अगर मैंने सेल किया तो मार्केट कहीं मुझे अनलिमिटेड लॉस वाला माइंडसेट रहता है और हमें लगता है कि कहीं बड़ा लॉस नहीं हो जाए। सो सबसे पहला कारण है फियर ऑफ रिस्क। सेकेंड, फियर ऑफ अननोन, मुझे पता नहीं है क्या होगा इसलिए मैं कंफ्यूज रहता हूं। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फियर ऑफ समथिंग विच इज नॉट अंडरस्टूड। मतलब जब तक आप ऑप्शन सेलिंग को नहीं समझेंगे, तब तक उसका फियर आपके दिमाग में रहेगा, और जनरल रिस्पॉन्स एंड में आपका यही आएगा, आप थोड़ा बहुत ऑप्शन में ट्राई करेंगे, आउट ऑफ द ऑप्शन बाय करेंगे और लॉस खा के जाएंगे, और बाद में बोलेंगे कि यार ये खराब चीज है, इससे दूर रहो, ये बहुत रिस्की है, इससे दूर रहो। इसीलिए आज के दिन जो ऑप्शन है वो वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट लाइफ में, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में। इसीलिए हमने आपको सीरीज बना के दी बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में। अब सीरीज को देखने के बाद वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी भी मैं देख रहा हूं उन्होंने प्रिंसिपल्स अप्लाई तो करने सीख लिए, बट अप्लाई करना स्टार्ट नहीं किया। आज भी जैसे मैंने ऑप्शन सेलिंग की बात करी ना, ऑप्शन सेलिंग अब धीरे धीरे प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, बट आज भी मेजॉरिटी लोग ऑप्शन सेलिंग की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे, इसीलिए मेजॉरिटी लोग ऑप्शन में पैसे नहीं कमा पा रहे। आप समझिए इस चीज को, मेजॉरिटी लोग समझ नहीं पा रहे कि ऑप्शन सेल करके ही पैसे कमा सकते हैं, इसीलिए वो पैसे नहीं कमा पा रहे। और जो समझ रहे प्रोफेशनल, जो समझ रहे वो ऑप्शन सेल कर रहे हैं और रेगुलरली पैसा कमा रहे। आप में से कई लोगों की क्वेरी आई कि सर अनंत यार तुमने मुझे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी बता दी, कुछ और स्ट्रेटेजीज बताओ, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजीज बताओ। सर ऑप्शन बाइंग मेरे कंसेप्ट में ही नहीं है, तो मैं ऑप्शन बाइंग की बात कैसे करूं? आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ऑप्शन सेल करना ही एक ऐसा ट्रुथ है, एक ऐसा हिडन ट्रुथ है, जिससे अगर आप समझ गए बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर आप पैसे कमा सकते हैं। आप पता है ऑप्शन सेलिंग जब करने जाते हैं ना, तब आप कंफ्यूज होना स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप फिर बहुत वीडियोस देखना स्टार्ट करते हैं, अलग अलग जगह से नॉलेज लेना चाहते हैं, और जब अलग अलग जगह से नॉलेज लेते हैं तो आर्टिफिशियल कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर आपके सामने आते हैं, जो आपको अल्फा बीटा गामा थीटा ऐसे ऐसे वर्ड्स बताते हैं जिसपे हमने ऑलमोस्ट मोर देन 250 आवर्स CA और CFA में लगाया है और समझने की कोशिश करी और कॉम्प्लिकेट किया है ऑप्शंस को। हम वही मिस्टेक वापस करते हैं, हम वापस से ऐसे YouTube चैनल देखने स्टार्ट करते हैं जो ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स और डिफिकल्ट स्ट्रैटेजीज बताते हैं, और इन द एंड उनका एंड प्रोडक्ट यही होता है कि सर स्ट्रैटेजी अगर आपको जाननी है, जैसे वॉलेटिलिटी का एक बड़ा हवा बना देते हैं। वॉलेटिलिटी को भी मैं इस सीरीज में कवर करूंगा और कुछ वीडियोस वॉलेटिलिटी पे भी बनाऊंगा। वॉलेटिलिटी को एक बड़ा हवा बना देते हैं और उसके बेसिस पे अपने मॉडल्स बेचने की कोशिश करते हैं कि सर आप ये मॉडल परचेस कर लो, जिसके बेसिस पे आप अपने लेवल्स पाए कर पाओगे और समझ पाओगे कि कहां से वॉलेटिलिटी रिवर्स हो रही है। इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है चीजों को कि आपके लिए और हमारे लिए एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं होता, किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जिसको प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है पैसा कमाना ऑप्शन से, और एंड में वो या तो ऑप्शंस बाय करके लॉस करके आता है या फिर ऑप्शन सेलिंग में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज में फंस जाता है कि उसको एंड में खुद को ही नहीं पता कि उसने किया क्या है।
हमें समझना पड़ेगा। सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड डाउन टू अर्थ स्ट्रैटेजीज ही है जिसके थ्रू आप लाइफ लॉन्ग मंथली इनकम कमा सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ चार स्ट्रैटेजीज कवर करी है और चार स्ट्रैटेजीज बताई है। आप में सब कई लोग बोल रहे सर और स्ट्रैटेजीज बताओ। अरे सर जो चार स्ट्रैटेजीज है ना उसमें कंप्लीट हो जाता है सारी की सारी स्ट्रैटेजीज, और वही स्ट्रैटेजी अगर हम यूज करेंगे ना तो लाइफ लॉन्ग आप रेगुलरली ऑप्शन से पैसा कमा पाओगे। उसमें से भी जो सेकेंड स्ट्रैटेजी थी जो वन ऑफ द फेवरेट थी मेरी, जिसको हम वर्टिकल क्रेडिट भी बोलते हैं, उसको एक बार आप इसे समझिए, उसकी सिंपलिसिटी समझिए कि कितनी सिंपल वो हो जाती है। आपको क्या करना है, जैसे अगर कॉल बेचना है तो जो बिल्कुल आपकी प्राइस चल रही है उसके जस्ट बाजू वाला आउट ऑफ द मनी कॉल बेच दो और फार आउट ऑफ द मनी कॉल परचेज कर लो। इसमें जब आपने ये कर दिया इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वेट करना है। टाइम अपने आप आपके लिए काम करेगा और आपका जजमेंट 70% भी सही हो गया तब भी काम हो जाएगा, और कई बार अगर गलत भी हुआ ना थोड़ा बहुत फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि आपने आउट ऑफ द मनी में काम किया। मतलब प्राइस चल रही है 180, आपने 190 का बेचा है और 200 का खरीदा है, दोनों ही आउट ऑफ मनी में काम किया है। क्योंकि आपने आउट ऑफ द मनी में काम किया है आपकी रिस्क एनी विच वेज कम हो गई है। वर्टिकल क्रेडिट वाली स्ट्रैटेजी वापस से देखिए, जो चार स्ट्रैटेजीज वाला वीडियो है ना उनको देखिए, उन स्ट्रैटेजीज में इन द एंड आप समझेंगे कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है और पेशेंस रखना है, और जो टाइम है वो ऑलरेडी आपका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है और आपको पैसा कमा के टाइम अपने आप देगा। वर्टिकल क्रेडिट जो सेकंड स्ट्रैटेजी थी जिसमें आपकी रिस्क भी लिमिटेड थी प्रॉफिट भी लिमिटेड था, बेस्ट स्ट्रैटेजी है। एक चीज समझिए, प्रॉफिट लिमिटेड है एक ट्रेड में, आप मल्टीपल ट्रेड्स कर लीजिए। जब प्रॉफिट लिमिटेड है साथ में रिस्क भी लिमिटेड है तो मल्टीपल ट्रेड्स करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कि आप सही हो वो भी ज्यादा हो जाएगी, मोर देन दैट, क्योंकि आपने आउट ऑफ द मनी में काम किया है। अगर आप थोड़ा गलत भी हो गए ना आपको उसकी पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी जो नॉर्मली आपको भरनी पड़ती है। जो हमारी स्ट्रैटेजी थी ना वर्टिकल क्रेडिट वाली उसकी इतनी सिंपल एप्लीकेशन, आपको सिर्फ तीन चीजें बतानी है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या रहेगा, सेकंड मार्केट कहां नहीं जाएगा या आपका स्टॉक कहां पे नहीं जाएगा। हमें ये प्रेडिक्ट नहीं करना क्या होगा, हमें सिर्फ ये प्रेडिक्ट करना है कि यार एसबीआई बढ़ सकता है बट 200 के ऊपर तो नहीं जाएगा या 190 के ऊपर तो नहीं जाएगा। आपको सिर्फ इतना सा प्रेडिक्ट करना है कि क्या मार्केट में नहीं होगा। थर्ड, आपको ओपन इंटरेस्ट और साथ ही साथ देखना है कि कितना उसमें वॉल्यूम है स्ट्राइक प्राइस में, उस चीज को देख के आपको ट्रेड करना है। इतना सिंपल हो गया आपके लिए, बट फिर भी क्योंकि आपकी इच्छा होती है कि यार कुछ और जानू कुछ और करूं, आप कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं चीजों को। प्लीज कीप इट सिंपल, जितना सिंपल रहेगा उतना ही अच्छा है। क्या मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज नहीं बता सकता, शायद सारी बता सकता हूं। क्या मैं आपको अल्फा बीटा गामा थीटा नहीं बता सकता, सब कुछ बता सकता हूं। क्या मैं आपको वोलेटिलिटी में कंफ्यूज नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं वोलेटिलिटी पे तो आपको एक से दो वीडियो बना के भी दूंगा जिसको वोलेटिलिटी सिंप्लीफाइड उसका वीडियोस का नाम होगा और बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करेंगे। बट एक चीज समझिए, आप कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। जब मैं देखता हूं कि इन्वेस्टर्स ने सीरीज देख ली फिर भी वो करते वही है जो अभी तक करते आ रहे थे, तब मुझे सबसे ज्यादा पेन होता है कि यार इतनी सीरीज बनाई, इतने प्यारे वीडियोस बनाए, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली मेड सीरीज इन इंडिया, इतनी प्यारी सीरीज है, उसके बाद भी आप वही मिस्टेक कर रहे हैं जो पहले करते थे, तो वो सीरीज बनाने का पर्पस सॉल्व नहीं होता। चीज मान के चलिए जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स है ऑप्शन में वो सिर्फ इतना सा ध्यान रखते हैं कि कुछ उनकी स्ट्रैटेजीज होती है जो अप्लाई करते हैं, उन्हें सब कुछ नहीं अप्लाई करना होता। आपको भी ये मेक श्योर करना है और सिंपल रखना है, जैसे कि इस प्राइस के ऊपर जाएगा तब तो मेरा लॉस होगा, उसके नीचे नीचे सब प्रॉफिट है, या फिर इस प्राइस के ऊपर तो सब प्रॉफिट है इस प्राइस के नीचे लॉस हो सकता है, इतना सिंपल हो जाना चाहिए। जैसे एसबीआई चल रहा है 180, हमने 200 का कॉल बेच दिया तो बस 200 के ऊपर नहीं जाए तो मैं प्रॉफिट में हूं, और 200 के नीचे नीचे कुछ भी रह जाए 180 से बढ़ भी गया, आपने क्या सोचा था एसबीआई टूटेगा, थोड़ा सा बढ़ भी गया, फिर भी आप लॉस में नहीं आएंगे। मेक श्योर कीजिए इस चीज को, सिंपल रखिए चीजों को और कभी भी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत कीजिए। अगर कंक्लूड करूं मैं इस वीडियो को उससे पहले, अगर आपने अपना डीमैट नहीं खुला है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे ज़ीरोधा एंजल अलाइज का, आप खुला सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू खुला रहे हैं तो हमें अपनी बेसिक डिटेल जैसे कि अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, कौन सा ब्रोकर यूज किया है और आपकी क्या क्लाइंट आईडी है भेज दीजिएगा, ताकि हम आपको हमारे प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर ले और आपको एक लिंक दे दे जिससे आप एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल हैंड होल्डिंग हम आपको दे पाएंगे। उसी के साथ कंक्लूड किया जाना, सबसे पहले ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी मैं नहीं देने वाला, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इज समथिंग जिसको मैं बिलीव ही नहीं करता कि आप कमा सकते हो। 97% टाइम ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं विदाउट बीइंग एक्सरसाइजिंग, 97% टाइम आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आप हारोगे। मोर देन दैट ऑप्शन बाइंग मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करने वाला, पहला पॉइंट। सेकंड, क्या हमें और स्ट्रैटेजीज की जरूरत है, शायद नहीं, हमारी जो सफिशिएंट है जो चार स्ट्रैटेजीज बताई है बस उसी को अप्लाई करना सीखना है हमें, ताकि हम उसको अप्लाई करते चले और रेगुलर इनकम कमाते चले।
थर्ड, वर्ल्ड के जितने भी सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, वो लिमिटेड सेलेक्टेड स्ट्रैटेजीज ही अप्लाई करते हैं। सब कुछ सीखने के चक्कर में कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल है जो अपने मॉडल्स बेच रहे हैं, उनके चक्कर में फंस जाएंगे तो मॉडल लेने के बाद भी आप लॉस खा के जाएंगे, क्योंकि आपने सिंप्लिसिटी को कॉम्प्रोमाइज किया है। मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूं, बट रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में सोचना मेरा मेन पर्पस है। सिंप्लिसिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। फोर्थ, क्या आपको अल्फा, बीटा, गामा, थीटा ये सब समझने की जरूरत है? आई डोंट थिंक। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को ये सब नहीं भी पता ना, फिर भी वो ऑप्शंस में पैसे कमाएगा अगर उसके बेसिक्स क्लियर है, जितना हमने आपको शेयर किया है। वॉलेटिलिटी एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, तो वॉलेटिलिटी सिंप्लीफाइड बहुत इजी लैंग्वेज में वॉलेटिलिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि आपको क्यों वॉलेटिलिटी पे ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है और आप दे भी नहीं सकते। इस चीज पे वीडियो आने वाला है। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हमारे जितने भी सोशल मीडिया है ना, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। 10,000 से ऊपर मेंबर्स टेलीग्राम पे जुड़ चुके हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक की फैमिली बढ़ती जा रही है, पक्का जुड़ जाएगा ताकि आप भी हमसे हर तरीके से अपडेटेड रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। डीमैट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंजल तो इवन आपको फ्री में डीमैट खुलाता है, जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट एंजल अलाइज जीरोधा तीनों ही बहुत अच्छे हैं। जो आपको पसंद आए उसके साथ डीमैट जरूर खुला लीजिएगा। एंड आई विल सी यू वेरी सून।